आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आर्षा एस प्रभु है और मैं सरस्वती विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने स्वयं पर विश्वास के बारे में कुछ शब्द कहने वाली हूँ। मनहा एवं मनुष्याणाम कारणा बंधान च मोक्ष्यम। संस्कृत में मन के बारे में ऐसा कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही हमें सांस्कारिक बंधनों में बांधता है। मन ही हमें इन बंधनों से छुड़ाता है। मन ही हमें अंधकारों में ले जाता है। मन ही हमें इन अंधकारों से रोशनी दिखाता है। इसलिए एक विचारक ने कहा है कि जिसने जीत लिया मन, उसने जीत लिया संसार। दुनिया में कई से ज्यादा प्राणी जीव है, इनमें से मन की शक्ति सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास है। मन में संकल्प विकल्प इच्छा अनिच्छा आदि भावनाएं जागृत होती है। मन में मनन करने की क्षमता है, इसीलिए इंसान को चिंतनशील प्राणी कहा गया है। चिंतनशील होने के कारण इंसान कठिन से भी कठिन वक्त पे पराजय स्वीकार नहीं करता। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि वो इस हार से जीत को कैसे हासिल करे। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारी जिंदगी बिल्कुल एक पहाड़ की तरह है। कभी कभी हमें ऊपर ऊंचाई पर जाना पड़ता है, कभी हमें नीचे आना पड़ता है। नीचे आने का मतलब है हमें हारना पड़ता है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि हार जीत तो केवल दिल के मानने या ना मानने पर ही निर्भर है। हमारे समक्ष ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मन की शक्ति से असंभव को भी संभव में बदला है। जैसे कि हमारे भारत को ही देख लीजिए, महात्मा गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिलवाई। उनकी उम्र हमसे भी कई ज्यादा थी, फिर भी उनका मन जवान था। मन जवान होने का मतलब है उन्हें खुद पर विश्वास था, स्वयं पर विश्वास था, मन में शक्ति थी, इसलिए उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। अगर हम दूसरे उदाहरण देखते हैं तो जापान का, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, फिर भी वहां पर रहने वाले लोगों के मन की शक्ति के कारण वो अब तक के सबसे बड़े विकसित देशों में से एक है। इन सभी ने जीत हासिल की मन की शक्ति के कारण। इसलिए मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि हार का मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी वहीं पर रुक गया या फिर हमें जीतने का कोई और मौका नहीं है, बल्कि हार का मतलब ये है कि हमें जिंदगी जीने का एक और मौका मिलता है, चुनौती है, हमें जीत के और एक और बार और जाने का चुनौती है। इसलिए हमें हमेशा इस चुनौती को मंजूर करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और हमारे देश और माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। इतना सब कुछ कहकर मैं अपने वाक्य यहाँ पूरा करती हूँ। धन्यवाद।